नमस्कार, वीके न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। देश में अक्सर हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद की स्थिति बनी रहती है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के आगरा के स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो हिंदू महिला प्रधानाचार्य का है। वीडियो में महिला प्रधानाचार्य आत्महत्या करने की बात कह रही है। उन्होंने स्कूल की अन्य मुस्लिम शिक्षिकाओं पर गंभीर इल्जाम भी लगाए हैं, साथ ही कहा है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। तो चलिए आपको ये वीडियो दिखाते हैं। बात यह है कि अधिकांशतः छात्राएं हमारे यहाँ 70-75% मुस्लिम संप्रदाय को बिलोंग करती हैं, और उनको श्रीमती रेहाना खातून, श्रीमती शबीना खातून और एक मैडम श्रीमती अनुपमा यादव और प्रियंका सिंह, ये उन्हें संरक्षण देती हैं। और उनसे ये मतलब मैं हिजाब के लिए विरोध करती हूँ तो ये कहलवाती हैं कि नहीं हिजाब तो पहनेंगी, और एक मैडम जो हैं शबीना खातून वो खुद भी हिजाब पहन कर आती हैं। और दूसरी चीज़ ये कहती हैं कि यहाँ पर ये पुरानी प्रिंसिपल मैम के समय का माँ सरस्वती का, माँ शारदे का फ़ोटो लगा है, इसे आप यहाँ से हटाइए, अब यहाँ तो मक्का मदीना का फ़ोटो लगेगा। ये कार्यालय में आके यहाँ मुझे धमकाती हैं और डेली ये परेशान करती हैं मुझे, और लगातार 2 साल से मेरा मानसिक हैरेसमेंट इन तीनों चारों शिक्षिकाओं के द्वारा। ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जॉय हैरिस स्कूल की है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि मुस्लिम शिक्षिकाएं लड़कियों से नारे लगवाती हैं कि ममता दीक्षित कुर्सी छोड़ो। प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें इस वजह से परेशान किया जा रहा है ताकि वो रिजाइन दे दें। ये मामला प्रशासन तक पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी की टीचर रेहाना खातून ने प्रशासन की टीम को बताया कि दरअसल मामला कक्षा 1 से 8 तक की फीस वसूलने को लेकर शुरू हुआ। ममता दीक्षित ने फीस वसूलने को कहा तो हमने बताया कि शासन ने 8वीं कक्षा तक की फीस माफ की है। उनसे फीस वसूलने को लेकर शासन से आया कोई लिखित आदेश मांगा तो नहीं दिखा सकें। इसके बाद उन्होंने ये पूरा प्रपंच रचा है। देखिए रेहाना खातून क्या कह रही हैं इस वीडियो में। कक्षा 1 से 8 तक शासन का ऊपर से आदेश है किसी बच्चे से कोई फीस नहीं ली जाएगी, उसके बाद भी इन्होंने ये फीस ली और इन्होंने इसके लिए कोई रिटर्न आदेश हमें नहीं दिया। और रिटर्न आदेश हम लोगों ने, जब रिटर्न आदेश न होने के कारण हम लोगों ने फीस लेने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने फिर हम लोगों को मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए इन्होंने धर्म का सहारा लिया। अब आपको एक हिंदू शिक्षिका प्रियंका सिंह का भी वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि ममता दीक्षित पूरी तरह से झूठ बोल रही हैं। वो छात्राओं को भड़काती हैं, शिक्षिकाएं आपका रेप कर देंगी। तो अब ये प्रियंका सिंह का भी वीडियो देखिए। स्टूडेंट्स से हमारे बारे में गलत गलत बातें, सर इतना गलत कह दिया कि रेप हुआ, रेप हो जाएगा, शिक्षिकाएं रेप करा देंगी, इस हद तक हुआ सर। अब देखिए ममता दीक्षित इस बारे में क्या कह रही हैं। देखिए मेरे CCTV में जो फुटेज हैं वो 2 ही दिन के हैं, क्योंकि इसका बैकअप उतना ही है, इतने कैमरे लगे हुए हैं। तो बाकी मैं तो 2 साल से इस चीज़ की मनाही कर रही हूँ। इवन बोर्ड परीक्षा भी हुई थी, उसमें बुरका ये हिजाब पहन के लड़कियों ने कैमरे भी तोड़े हैं, और इसकी भी मैंने शिकायत और वीडियो अपने माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को उसी समय मैंने। अब हम आपको एक छात्रा का वीडियो दिखाते हैं जो ममता दीक्षित द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को नकार रही है, और जो कुछ भी बता रही है वो वाकई परेशान करने वाली बात है। अब ये वीडियो देखिए। ये उनका कहना है कि जो बुर्केवादी औरतें हैं, मतलब ये क्लास की लड़कियों को ले जाके रेप करवाती हैं। मैनेजमेंट कमेटी ने जहां कथित तौर पर आरोपित शिक्षिकाओं को नोटिस भेजा था, वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन के लोगों ने प्रिंसिपल से मुलाकात भी की थी, जिसमें पता चला है कि मामला काफी साल पुराना है और ये लड़ाई प्रिंसिपल की कुर्सी के लिए है। प्रिंसिपल की संबंधित अधिकारियों से बात हुई है, उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उन्हें दोबारा तंग नहीं किया जाएगा। स्कूल से शुरू हुआ ये मामला विधायक डॉक्टर GS धर्मेश के पास भी पहुंचा है। अब विधायक साहब ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। उसके आधार पर हम ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को और DM को जो है दोनों को बता देंगे, और वो उनको जो है जो भी उसमें जो गलत या सही है उस पर वो कार्रवाई करेंगे। क्लासरूम से प्रिंसिपल के ऑफिस, वहां से बच्चों के पेरेंट्स, फिर विधायक तक पहुंचा ये मामला, अब प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जाने वाला है। देखते हैं वहां से इस बाबत क्या आदेश आता है। इस खबर पर तमाम अपडेट्स हम आप सभी तक साझा करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VK न्यूज़। धन्यवाद। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।